उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद में आज समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत वर्मा के नेतृत्व में जिला अस्पताल पहुंचकर सीएमएस महोदय से मिलकर समाजवादी छात्र सभा ने ज्ञापन दिया। साथ में प्रदेश सचिव छात्र सभा जगमोहन यादव मौजूद रहे। 4 सूत्रीय ज्ञापन वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हंसराज को दिया गया। समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष ने कहा, वर्तमान में महाविद्यालय में परीक्षा चल रही है, स्वास्थ्य विभाग में भाजपा सरकार छात्रों की जान से खेल रही है। प्रदेश सचिव जगमोहन ने कहा, भाजपा सरकार छात्रवादी सरकार है, यह वर्तमान सरकार हर कदम पर फेल है। सरकार का काम सिर्फ विज्ञापनों में दिखता है, धरातल पर नहीं। गरीब नौजवान किसान व्यापारी छात्र हर वर्ग परेशान है, पूर्ण काल चल रहा है लेकिन इसके बचाव है तो कोई नीति नहीं है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। देखिए फैजाबाद से सौरा सिंह जिला संवाददाता की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। आज समाजवादी छात्र सभा ने सीएमएस साहब को ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी कुछ मुख्य रूप से 4 मांगे रही हैं। उसमें नंबर 1 तो ये है कि अभी परीक्षाएं शुरू हो गई हैं छात्रों की, तो उसमें टीकाकरण कराया जाए परीक्षा का, और क्या नाम है कोरोना की जांच हो। नंबर 3 ये है कि जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं उस पर क्या नाम है एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करी जाए जिससे परीक्षार्थी को कोई भी असुविधा होती है तो उसे इलाज के लिए लिया जाए, और यही हमारी मुख्य रूप से मांगे हैं। और सी एम एस साहब ने हमें अनुशासन दिया है, छात्र सभा की जो मांग है उनको गंभीरता से लिया जाएगा। समाजवादी छात्र सभा जनपद फैजाबाद में समाजवादी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत वर्मा जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगें थीं। सबसे पहली मांग हमारी ये रखी कि हमें कॉलेज परिसर में ही वैक्सीनेशन कैंप चाहिए ताकि बच्चा अपने जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश करे अगले दिन के लिए वो अपने वैक्सीनेशन लगवा ले। दूसरा, जब बच्चा एंट्री करे तो उसे कोरोना जो वो किट होती है उससे क्या होते हैं जांच किट, वो उसे जांच हो ताकि वो अपने प्रवेश कर सके। इससे ये रहता है कि कोविड का टीका लग जाएगा, जांच हो जाएगी तो हम सेफ हो जाएंगे, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी मांग हम लोगों की ये थी कि गर्मी का माहौल है, उमस भी है, बच्चे प्रेशर में रहते ही हैं, पढ़ते हैं, पिछले साल से पढ़ाई कम हुई है, तो ऐसा ना होगा कोई कमज़ोर बच्चा हो या वैसा बच्चा हो जो कि गर्मी में परेशान हो जाए, एग्ज़ाम ना दे पाए, चक्कर आ जाते हैं, पसीना आ जाता है। इस एक ऐसी एम्बुलेंस सेवा इमरजेंसी हर कॉलेज महाविद्यालय में रखी जाए कॉलेज परीक्षा टाइम में, ताकि कोई इमरजेंसी होती है तो तत्काल उसको उपचार मिल जाए। एक हमारी विशेष मांग ये थी समाजवादी छात्र सभा की सबकी, और हम आगे चल के सरकार बनी तो पूरे प्रदेश में ये मांग लागू कराएंगे, और अगर वर्तमान सरकार नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। प्रवेश पत्र लेकर, अपना परिचय पत्र लेकर, आइडेंटिटी कार्ड लेकर अगर छात्र अब यहाँ का फॉर्म बनाने आता है तो उससे कोई पैसा ना लिया जाए, उसका फॉर्म निःशुल्क किया जाए, क्योंकि हम छात्र हैं, हम स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करते हैं, हमारी कोई रोजगार है नहीं, इसीलिए सरकार छात्रों की तरफ ध्यान दे। फिलहाल वर्तमान सरकार छात्र विरोधी सरकार है, लेकिन हम पूरी तरह से जगाने का काम करेंगे, चेताने का काम करेंगे। अगर इनमें से कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं होती, वैसे तो उम्मीद है सीएमएस साहब ने हमारी पूरी मांग गंभीरता से सुनी, अगर नहीं होती तो समाजवादी छात्र सभा आंदोलन करेगा जिसका पूर्ण जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग होगा, किसी भी छात्र के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो। आपने ज्ञापन दिया सीएमएस का, किस तरह का आश्वासन दिया गया? सीएमएस साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर काम करेंगे और जो भी उचित होगी वो कार्रवाई।